शुरू हुआ। जो लोग कहते हैं आप तो उनके साथ बैठ गए, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, एक बहन भी है उत्तर प्रदेश में, और वो कहती है तिलक तराजू और तलवार इसको मारो जूते चार। एक और बहन की है जम्मू कश्मीर में, आपने चुनाव में उनको कहा आतंक की महबूबा, ये महबूबा मुक्ति की ओर हमारा इशारा है, लेकिन जब अल्पमत में आप आए उन्हीं के गोद में जाकर आप सरकार बैठ गए, बना दी उसी के गोद में बैठ गए। आनंद मोहन राजपूत है, कहने में बुरे से नहीं है, हम लड़ते हैं तो तान ठोक के लड़ते हैं, जब मिलते हैं तो दिल खोल के मिलते हैं। दोस्ती निभाना हमारी परंपरा है, हम जो अपमान करता है उसका भी हिसाब करते हैं, और जो एहसान करता है खूब समय वापस करते हैं। साथियों, लेकिन आपके करेक्टर को लोग जान गया, 16 साल में कोई पार्टी, चाहे वो फंसाने वाली पार्टी हो, चाहे वो सजा कराने वाली पार्टी हो, आपके शब्दों में हर पार्टी ने कहा कि आनंद मोहन निर्दोष है, लेकिन एक पार्टी चुपचाप रही, मौन रही। क्यों नहीं? इसलिए कि हमारा पैदा किया हुआ एमएलए आपके यहां था, पूरी दुनिया में आप नजर तो रही है बिहार में, ऐसे 16-17 एमएलए आपकी पूंजी बन गया, हमारे समर्थक आपकी पूंजी बन गया। आप चाहते थे कि आनंद मोहन कष्ट रहे पर हम राज करते रहे, 16 बरस तक आपके मुंह में दही जमा हुआ था, एक बार भी आपने आनंद मोहन निर्दोष है छोड़ो। साथियों, लेकिन आज जब निकले हैं, कौन गया सुप्रीम कोर्ट, कौन गया हाई कोर्ट, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदर करता हूं, लेकिन डरता हूं तो सिर्फ जनता से करता हूं, क्योंकि जानता हूं जनतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। मैं तुम्हारे समर्थकों को क्या पूछना, ये किसी ने झंडे की कोशिश नहीं की, एक बूढ़ी माँ पर क्या गुजरा, एक जवान औरत बेवा की तरह जिंदगी गुजारने के मजबूर हो गए, बच्चे इसको हॉस्टल में छोड़ के आए थे उसकी शादी में देखी, लेकिन तुम बेराम निर्लज, तुमको शर्म नहीं है और तुम मेरे पीछे लग गए। हम निकले, लगा दिया पूरा छतरी लेके लोग पहुंच गए, इमेज को ध्वस्त कर दो, चरित्र हनन कर दो। एक बात सुन लो, प्रशंसा से कोई भगवान नहीं होता और आलोचना से कोई शैतान नहीं होता, आनंद मोहन जो है वही है, चाहने से कुछ नहीं होगा। आनंद मोहन खुली किताब है, करेक्टर को सिवा को छोड़ दो, बिहार और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि उस दिन मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था। हम उस गुनाह की सजा, 14 बरस की सजा होती है, 16 बरस काट के आए, लेकिन तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गई, तो दर्द का इलाज भी मेरे पास है और हमारे समर्थकों के पास भी है। मैं कह देना चाहता हूं, अगर जो हो गया हो गया, अगर आगे से हमको छेड़ दिए तो तुम बचोगे नहीं, जमीन अगर खींच नहीं गया तो आनंद मोहन नाम नहीं, राजनीतिक तौर पर घमंडा अगर नहीं बना दिया तो आनंद मोहन नाम नहीं। हम निकले हैं मर्दा मर्दी, मर्दा मर्दी लड़ो, मुंह छुपा के मत लड़ो। गया था कि हम कहां जाते हैं, यही बगल का एक एमएलए ने कहा, आप सुने होंगे, हमारी पार्टी तो नहीं गई, बेवा गई, 3,500 लोग पर आरोप थे, 3,500